वेलकम टू हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मैं हूं मंदिरा मेघालय की खूबसूरत वादियों के साथ आज भी मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक ऐसी खास जगह जिसे जाना चाहता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द टूरिस्ट जी हाँ इस जगह का नाम है ओमयाम लेक द वेरी फेमस ओमयाम लेक जो गुवाहाटी और शिलोंग आने जाने वालों के लिए एक खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है शिलोंग शहर की तरफ जाने वाले लोग एक बार तो इस व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के लिए यहाँ रुकते ही हैं और शिलोंग शहर से ये तकरीबन पंद्रह किलोमीटर की दूरी पर है दिस इज़ दी होल व्यू ऑफ़ द वेरी फेमस उमियाम लेक लोकेटेड इन मेघालय और अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ व्यू पॉइंट तक पहुंची हूं जहां से आप पूरी खूबसूरती देख सकते हैं इस लेक की बट अगर आप नज़दीकी से इस लेक तक पहुंचना चाहते हैं तो देर इज़ अनदर एंट्रेंस जो मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से एंटर करने वाली हूँ बट मीन वाल ले मी दिस मैग्नीफिसेंट व्यू ऑफ़ दिस ब्यूटिफुल लेक So, this is the very famous Umyam Lake, which is about 15 km from Shillong. Or is it Jana Jata hai borapani ke nam Or this lake you can see lush green hills, which is a true gift for all the nature lovers. And with that, if you want to go for more adventure, you will find various water sports out here. But abhi now, I'm just going to enjoy this beautiful panoramic view. ओमयाम लेक की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद अब मैं लेकर जाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है इसके पीछे की कहानी जी हाँ इस जगह का नाम है नौकालिकाय फॉल्स ये है फेमस नौकालिकाय फॉल्स जो सोहरा शहर से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है इस वॉटरफॉल की हाइट तकरीबन 1115 फीट है बाकी चेरा के वॉटरफॉल की ही तरह मॉनसून में ये और इसके आसपास की जगह और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है वॉटरफॉल के ठीक नीचे एक नेचुरली मेड पूल भी आपको दिखेगा सो दिस इज़ अ वेरी फेमस नोकालिका वाटरफॉल जो कि सोहरा सिटी से फाइव किलोमीटर की दूरी पर है और शिलोंग से तकरीबन पचास किलोमीटर की दूरी पर वैसे इसकी हाइट है वन थाउजेंड एंड वन हंड्रेड फिफ्टीन फीट और इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी ट्रैजिक है बट वॉट एवर द लेजेंड सेज दिस वाटरफॉल इज़ अ मस्ट विजिट फॉर ऑल द टूरिस्ट मेघालय की काफी जगहों की तरह इस जगह की अपनी एक अलग कहानी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ी ट्रैजिक भी है और इस कहानी को जानने के लिए और इस बेहतरीन व्यू को एंजॉय करने के लिए इस जगह पे आना तो बनता ही है और सिर्फ इतना ही नहीं इस वॉटरफॉल के आसपास आपको कई सारे दुकानें भी दिखेंगी जहां आप कुछ ना कुछ जरूर खरीद सकते हैं पेट पूजा भी कर सकते हैं टाइम हुआ है हमारे किचन की ओर बढ़ने का जहाँ पर हम देखेंगे नए रेसिपीज को बनते हुए वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट सुमी मेरे साथ है और वो हमें बताने वाली है कि हमारी रेस्ट जयंतिया कुजीन कौन कौन सी है तो सुमी नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट हम करने वाले हैं ड्राई फिश विथ कॉलीफ्लावर के स्टेम्स एंड द लीव उसके हम सूप बनाएंगे एंड देन साइड बाई साइड आई मेक द राइस चावल रेड hmm. राइस

और माना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कि रेड राइस काफी न्यूट्रिशियस होता है हेल्दी होता है बहुत इट्स लाइक ब्राउन राइस या सिमिलर टू ब्राउन राइस बट कुछ द कलर इज लाइटर ओके सो दैट्स व्हाई इट लुक्स रेड राइस सो दिस इज एक्चुअली द रेड राइस ओके जब पकने पर देन यू सी द कलर आल्सो इट लुक्स रेड तो रेड कलर प्रॉपर्ली पकने के बाद आपको दिखाई देगा Exactly. और जब आप नॉर्मली जो राइस बनाते हैं which is, uh, white rice, तो उसे बनाने बनाने के लिए ज़्यादा नहीं लगता। but क्या उसमें भी कि को बनाने में कोई तो okay. uh, okay. hmm. so, हम पहले ड्राई uh, फिश को रोस्ट करते हैं। हम ड्राई फिश को रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि उसका नो द स्मेल कच्चा ना हो दिस इज द ड्राई फिश सो आप देखेंगे

ठीक तो नहीं होगा पर जल जाएगा एंड देन इल नॉट बी इक्वली कुक्ड ओके इसको रोस्ट होने के लिए आपको आपको कितना टाइम लगेगा अब uh, बस व्हेन uh, जब वो इसका फैट तेल निकल आने पर दैट विल बी रेडी नाउ वी कैन सी कि ये जो ड्राई फिश है वो थोड़ा सा शाइनी हो गया है तो आई थिंक ये ऑयल अभी छोड़ रहा है धीरे-धीरे लिटिल बिट मोर टाइम इफ वी डू सम मोर टाइम देन इट विल बी रेडी ओके आई थिंक दैट्स रेडी ओके

इस डिश का नाम आपने क्या बताया इस डिश का नाम है खुतुंग सरवा खुतुंग सरवा खुतुंग जो आपने ड्राई फिश कहा है सरवा मीन सूप सूप ओके यू गेस्ट इट राइट एग्जैक्टली तो चलिए मेरी गेसिंग यहाँ पे सही निकली खुतुंग खरवा सरवा सरवा ओके okay. सो so, जैसे कि बाय द टाइम ये उबल रहा हो लेट मी चेक पानी बॉईल ah. हो चुका है प्रॉपरली पानी बॉईल हो चुका है सो वी कैन पुट द राइस वन वेरी डिफरेंट थिंक अबाउट द रेड राइस इज हम जब वाइट राइस बनाते हैं तो हम धो के बनाते हैं बट द रेड राइस यूजअली वी डोंट वॉश ओके क्योंकि ये लोकल है ये घर का रहता है सो इट डेफिनेटली यू डन इट वेरी प्रॉपरली क्लीन इट एंड क्लीन एंड इफ यू वॉश द फ्लेवर गोस होके सो वी डोंट वॉश इट सेंस इट फ्रॉम होम वीच एस टेक इट आउट एंड

और जेंटे हमें खोसा खोसा मीन्स इट नॉट एग्जैक्टली को इट्स को कोपम सो व्हिच मीन्स राइस साउ इज द कलर तो व्हाइल दिस इज बॉइलिंग ओके लेट मी चेक ये अगर इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है सो लेट मी कवर इट डीप इट फॉर सम टाइम ओके तो ये उबलने पर देन विल डू द रेस्ट ऑफ थिंक ओके इस सफर के साथ मेरी भूख भी काफी बढ़ चुकी है सो वाई नॉट मैं इंजॉय करूं इन मील को तो एक बार चेक कर लेते हैं शायद पानी बॉईल हो रहा है इसमें ओह oh, यस, yes, so, इसे प्रॉपरली बॉईल होना जरूरी है तो सूप। yes.

एंड जिंजर जिंजर सूप में जिंजर ज्यादा लगता है Yes। और जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि यहाँ पे काफी ठंड है हाँ। तो अदरक लहसुन ये बहुत ज्यादा जरूरी है खाने में या फिर आप ब्लैक पेपर की बात करें। रही तो ये आपकी बॉडी को गर्म भी रखता है हाँ। और आपके हेल्थ को भी अच्छा रखता है यू नो सर्दी जुखाम भी आपको नहीं होती है एग्जैक्टली सो

तो हम एक बार राइस भी चेक कर लेते हाँ? हैं शायद उसे थोड़ा सा स्टर करने की जरूरत है ज़रूर। बिकॉज़ रेड राइस अगर आप स्टर न, ना करें तो चिपक सकता है बाय नाउ दिस प्रॉपरली ये बॉइल हो, हाँ. okay. yes. हो रहा है और mm -hmm. अभी हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स में ऐड करने वाले राइट यस right? yes. इस पे अब बस वेजिटेबल सब्जियां जो डालनी है एंड mm फिश -hmm. एंड यू वॉल्ट ओके तो हम सबसे पहले इसमें सब्जी डाल देते हैं आपने ये uh, जो फूल गोभी हाँ हाँ तो उसके स्टेम्स का इस्तेमाल किया है जनरली होता है कि लोग इसे फेंक भी देते हैं बट इस दे इसका इस्तेमाल सूप बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं विच इज़ वेरी न्यूट्रीशियस येस कैन यू पासमिन सॉल्ट थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि द स्टेम्स ऑफ द कॉलीफ्लावर बिकम टंड उसे अच्छे से पकाने के लिए ताकि वो नरम हो जाए नमक को मिलाना जरूरी है जरूरी है तो so नाउ अब इसे हम 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देते हैं उसके okay. बाद में वी विल ऐड द ड्राई फिश ओके तो सुमी आपने कहा था कि चावल को बार-बार चेक करना जरूरी है कैन वी चेक यस वी कैन चेक ओह दिस इज डन ओके डन हां अभी बस फ्लेम को छोटा कर देते हैं okay. एंड

नमक तो हमने पहले डाल दिया है सो द लास्ट इंग्रेडिएंट वुड बी द ब्लैक पेपर पाउडर ओके दिस इज ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर जस्ट अ बिट दैट विल डू एंड ये कॉलीफ्लावर uh, की लीव को ज्यादा नहीं पकाना है वी डोंट वांट टू मेक इट वेरी सॉफ्ट जस्ट लाइक स्लाइटली कुक एंड लाइक यू सेड नो जब शुड बी आर रेडी मीट बट एक और रेसिपी शायद बच चुकी है उसे हम बहुत ही जल्द प्रिपेयर करने वाले करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सूप में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये बहुत ही जल्द प्रिपेयर होने वाला है

तो ये हमारा मील तैयार है राइस भी बन चुका है बट नाउ हम बनाने वाले हैं सैलेड जैसा कि आपने बताया था बट उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह को uh, साफ करने की जरूरत है, yeah, है, है पे बर्न uh, हो रहा है तो हम इसे हटा देते हैं आज मैं वो टमाटर फुल गोभी प्याज ओके okay. अदरक डाल hmm. के बना रही हूँ okay, ओके तो वी स्टार्ट ना yes. तो ये है आपके okay. लिए Tomato, okay. tomato. Oh, we're mixing this well. Wow.

तो फाइनली सुमी सारी चीजें तैयार हो चुकी है आज के इस प्रॉपर मील के लिए जयंतिया मील जो कि एथनिक है बहुत ज्यादा और मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है आई एम श्योर विद पेशेंस मैं कब से वेट कर रही थी कि आपके लिए सारी रेसिपी आप जो हमारे लिए बना रही है वो रेडी हो जाए एंड फाइनली इट्स रेडी सो शेड वी ट्राई नाउ तो ये हमारा फाइनल जो मील है जयंतिया मील है जो yes. कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपने हमारे लिए प्रिपेयर किया थैंक यू सो मच एंड मैं इसे टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही थी फाइनली ये मेरे सामने है और uh, ये जो रेसिपी है विच इज़ मेड फ्रॉम दिस फर्मेंटेड सोयाबीन वॉट वाज दैट नेम जस्ट लाइक मी उनके लिए इसका स्मेल थोड़ा सा अनब्यूरेबल था बट फाइनली कुक होने के बाद आई थिंक इसका जो फ्लेवर है और हाँ। जो स्मेल है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे तो आई एम गोट अ टेस्ट इट फॉर नाउ और साथ ही यहाँ पे आपने जो फिश रेसिपी ड्राई फिश रेसिपी और hmm. सैलेड हमारे लिए रेडी किया है तो चले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्लीज ओके सो दिस इज अ प्रॉपर एथनिक जयंतिया मील फॉर मी इन यूनिक रेसिपीज को एंजॉय करने के बाद एक और नए सफर पर जाना अभी भी बाकी है और साथ ही मैं एंजॉय करूंगी कुछ नई रेसिपीज पर अभी मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का आप भी अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर